इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर ले गई। टिकट कटते ही रतिया विधायक ने छोड़ी बीजेपी। ये देखिए, टिकट कटते ही रतिया विधायक ने बीजेपी छोड़ दी है। विधायक लक्ष्मण आपन ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने रतिया से सुनीता दुग्गल को प्रत्याशी बनाया है और दुग्गल को टिकट देने पर लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी है। ये बड़ी जानकारी, टिकट कटते ही रतिया विधायक ने बीजेपी छोड़ दी है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, फेरबदल किया गया है बीजेपी की तरफ से और अब इस तरीके से नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए, बीजेपी ने रतिया से सुनीता दुग्गल को प्रत्याशी बनाया और दुग्गल को टिकट देने पर लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी है। टिकट कटते ही रतिया विधायक ने बीजेपी को छोड़ दिया है। विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजेपी ने रतिया से सुनीता दुग्गल को प्रत्याशी बनाया है और अब देखिए, दुग्गल को टिकट देने पर लक्ष्मण नापा ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है। टिकट कटते ही रतिया विधायक ने बीजेपी छोड़ दी है। तो जिन लोगों की टिकट कटी है, जिन सिटिंग विधायक की टिकट कटी है, उनका देखिए अब इस तरीके से ये प्रतिक्रियाएं देखिए एक लगातार आ रही हैं और अब ये खबर सामने आ रही है कि दुग्गल को टिकट देने पर लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी है। टिकट कटते ही रतिया विधायक ने बीजेपी छोड़ दी है, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो बीजेपी ने रतिया से सुनीता दुग्गल को प्रत्याशी बनाया है और लक्ष्मण नापा ने देखिए बीजेपी पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि आपको बता दें रतिया से विधायक जो रहे हैं लक्ष्मण नापा, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने रतिया से सुनीता दुग्गल को प्रत्याशी बनाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, लक्ष्मण नापा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं अब नाराजगी जो है ये सामने आ रही है और नाराजगी इतनी कि लक्ष्मण नापा ने बीजेपी से ही इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि रतिया से वो विधायक हैं और सुनीता दुग्गल को यहां से टिकट दे दी गई है। कल की जो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें सुनीता दुग्गल का नाम था, रतिया से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। लक्ष्मण नापा रतिया से विधायक हैं, अब उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी ने रतिया से सुनीता दुग्गल को प्रत्याशी बनाया, दुग्गल को टिकट देने पर लक्ष्मण नापा ने पार्टी छोड़ दी है। रवि कालेरमन विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि, देखिए जिस तरीके से कल जितने विधायकों के टिकट कटे हैं, कहीं ना कहीं अब देखिए प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। अब ये बड़ा अपडेट आपको दे दें कि लक्ष्मण नापा ने बीजेपी छोड़ दी है। जी बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस प्रकार से सूची जारी की गई है तो ऐसे में कई नेता जो है वो नाराज जो है वो नजर आ रहे हैं। रतिया से लक्ष्मण नापा की अगर बात की जाए तो उनकी जगह सुनीता दुग्गल को टिकट दी गई है और उसी के चलते वो नाराज नजर आए हैं। प्राथमिक सदस्य से उन्होंने बीजेपी की इस्तीफा दिया है और आज जो सूचना मिल पा रही है उसके अनुसार 3 बजे कांग्रेस का दामन जो है वो लक्ष्मण नापा थाम सकते हैं। तो इसी प्रकार की चीजें जो है उनका आकलन किया जा रहा था। जब सूची जारी की जाएगी तो कई ऐसे नेता हैं जो बगावती सुर जो है वो अपना आ सकते हैं और उसी प्रकार के रिजल्ट अब देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेता और हैं जिनकी तरफ से पार्टी को इस्तीफा भेजा गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले 1 से 2 दिन में इन इस्तीफों की कहीं ना कहीं और झड़ी लग सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को तमाम उन नेताओं से संपर्क करना पड़ेगा जो लगातार अनदेखी का शिकार हुए हैं या फिर जिनको ये लगता है कि उनकी टिकट गलत काटी गई है, वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों में अगर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आज की अगर बात की जाए तो रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा की तरफ से इस्तीफा जो है वो दिया गया है, बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब बिल्कुल रवि, देखिए काफी लंबी फहरिस्त है जिसमें कि जो बीजेपी के जो विधायक रहे हैं उनकी टिकट कटी है और इस तरीके से फिलहाल अभी तो लक्ष्मण नापा का हम जिक्र करें जिन्होंने बीजेपी छोड़ दी। ऐसे तो अभी बहुत से ऐसे विधायक होंगे जो इस तरीके से अपनी नाराजगी दिखाते हुए नजर आएंगे, बगावती सुर अब यहाँ पर लाजमी है देखना, क्योंकि जिस तरीके से टिकट भी काटी गई है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहला इस्तीफे की अगर बात की जाए तो सुखविंदर सिंह शोरा जो बागड़ा से पूर्व विधायक हैं और किसान सेल के अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी की तरफ से, 8:10-9 के आसपास बीजेपी की सूची आती है और 8:15 के आसपास उनका
इस्तीफा जो है वो जारी कर दिया जाता है, यानी कि वो बिल्कुल तैयार बैठे थे, वो आश्वस्त थे कि उनकी टिकट कट सकती है, और जैसे ही टिकट कटने का ऐलान हुआ, जैसे ही सूची आई तो उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। इसके अलावा पूर्व जो मंत्री हैं कर्णदेव कंबोज, इंद्र सिंह विधायक, विधानसभा की टिकट से को लेकर कहीं ना कहीं नाराज थे, पार्टी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है, सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगला फैसला समर्थक जो कहेंगे उसको उनको सुनकर, उनको देखकर जो है वो लिया जाएगा। तो कर्णदेव कंबोज पूर्व मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ऐसे में कहने को उनको उनकी तरफ से भी पार्टी को अलविदा जो है वो कह दिया गया है। कई अनेक ऐसे नाम हैं जो जो है आने वाले हैं, कुछ नाम जो है वो आ चुके हैं जिनकी तरफ से पार्टी को इस्तीफा दिया गया है, अलविदा कहा गया है। अब देखना होगा ये सूची कितनी लंबी जो है और हो सकती है। अब बिल्कुल रवि, जिक्र करना चाहूंगी जब लिस्ट नहीं सामने आई थी बीजेपी की, उस वक्त भी इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही थी कि लिस्ट जारी होते इस तरीके से भगदड़ मचती नजर आएगी जिन भी सिटिंग विधायकों की टिकट कटती है। अब ऐसे में लगातार अब ये देखने को मिल रहा है, आपने 2 से 3 नाम भी गिनवाए हैं फिलहाल जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी दिया है, हालांकि आगे भी ऐसे और नाम शामिल हो सकते हैं इसी लिस्ट में, तो देखिये कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे अब नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की जो चीजें चल रही है, जिस प्रकार ये तमाम जो नेता हैं वो पार्टी से नाराज होकर अपना इस्तीफा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। हालांकि तमाम चीजें इस नेतृत्व के संज्ञान में होंगी, प्रदेश इकाई भाजपा इकाई के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी इन तमाम नेताओं को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इस्तीफे दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी से आहत है, पार्टी से नाराज है, और जल्द फैसला जो है वो ले सकते हैं। समर्थकों से बात करके कोई जो नेता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर सकता है, और कई नेता ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे दलों में भी संपर्क बनाए हुए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को जो है नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो तमाम जो नेता है अब उनका अगला स्टेप यही रहेगा कि इन तमाम जो नेता है जिनकी टिकट कटी है उनको मना लिया जाए, उनको समझाया जाए, पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए। चलिए बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि रतिया से सुनीता दुग्गल को टिकट दी गई है बीजेपी की तरफ से। अब आपको बता दें कि ऐसे में रतिया से जो विधायक है लक्ष्मण नापा, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है और कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आए हैं, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि वो कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की अटकलें भी सामने आ रही है।